So hello friends, welcome to my channel Rankout Official, and today we are going to discuss two very important ranking factors that you should must consider while optimizing your website. So in dono factors ke andar hum kis cheez ko discuss karne ja rahe hain aaj, iske upar hum baat karte hain ki aapko TF-IDF ke bare mein kitni jankari hai aur TF-IDF hota kya hai. Sabse pehle to iski term ko aap samajh lenge, iska matlab kya hota hai. TF-IDF means term frequency inverse document frequency. अब ये तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि TF-IDF की फुल फॉर्म ये होती है, लेकिन इसको SEO के अंदर हमने कैसे यूज़ करना है और अपनी वेबसाइट के अंदर हमने कैसे यूज़ करना है वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जब आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं, अभी आप वेबसाइट को साइड पर रखें, एक वेब पेज की बात करते हैं. आपका एक सिंगल वेब पेज है, उस वेब पेज का ऑब्वियसली एक टॉपिक होना चाहिए जिसको आप अपना टाइटल बोलते हैं, उसका एक H1 होना चाहिए जिसको आप हेडिंग बोलते हैं, और उसमें कुछ कॉन्टेंट होना चाहिए. अब इस कंटेंट को जब आप SEO ऑप्टिमाइज करेंगे तो सबसे पहले तो आपके लिए आएगी कीवर्ड रिसर्च. आपको टॉपिक पता है अपना कि मैंने इस टॉपिक पे ये लिखना है अपना वेब पेज, लेकिन आपको कीवर्ड्स नहीं पता, तो उस टॉपिक का कोई बेसिक सा कीवर्ड लेके आप अपनी कीवर्ड रिसर्च शुरू करते हैं, और कुछ देर बाद आप एक वैल्यूएबल कीवर्ड के ऊपर पहुँच जाते हैं जो कि ना जेनेरिक टर्म है और ना ही बहुत लंबा कीवर्ड है, उसकी ट्रैफिक भी अच्छी है, उसका कॉम्पिटिशन भी लो है, और वो कीवर्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए. तो जब आप ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले उस कीवर्ड को प्लेस करना शुरू करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब अपना कंटेंट ऐसे जनरेट करते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो वेल पोजीशन्ड हो जाए पूरे पेज के ऊपर. उसमें से कुछ चीज़ें ये हैं कि आप उसे अपने टाइटल में यूज़ करते हैं, अपने हेडिंग में यूज़ करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट TF-IDF का. TF-IDF इज सिंपली कि एक वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा आया है और किस किस जगह पर आया है, इस चीज़ को बेसिकली हम टर्म फ्रिक्वेंसी बोलते हैं. अब अगर आपने कोई वेब पेज की एग्जांपल लेनी है, फॉर इंस्टेंस कि आप मेरी स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक वेब पेज है और वेब पेज इज रिलेटेड टू स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस. ठीक है, तो स्कूल बस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर हमने देखना है कि ये स्कूल बस का जो कीवर्ड है ये इस डॉक्यूमेंट में वेल प्लेस है या नहीं, तो इसे आप कंट्रोल से कॉपी करके सर्च में जाके पेस्ट कर दें. ये पेज पे ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि इस वेबसाइट के ऑनर ने इसको कहाँ कहाँ प्लेस किया. ठीक है, 3, 4, 5 स्कूल बस. मैं सिर्फ स्कूल बस का कीवर्ड चेक करके दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल. आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने अपने कंटेंट के अंदर जगह जगह पेस्ट किया है इस कीवर्ड को, मतलब कि अपने कॉन्टेंट के अंदर यूज़ किया है. अब इसके अलावा एक और चीज़ ये हो सकती है कि आपने अपने कॉन्टेंट के अंदर कीवर्ड को कितनी दफ़ा यूज़ करना है. गूगल TF-IDF के एल्गोरिथम को इसलिए यूज़ करता है ताकि चेक कर सके कि क्या आपका पेज ओवर ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं. अब ओवर ऑप्टिमाइजेशन हम किस पेज को बोलेंगे? ओवर ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है कि अगर आप योर अमाउंट ऑफ टोटल वर्ड्स टू योर कीवर्ड, ये एक रेशो है, सिंपल सी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप अपने 100 वर्ड्स के अंदर 3 times अपना कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके, ये फेवरेबल लिमिट है. लेकिन अगर आप इससे ऊपर अपने कीवर्ड को लेके जाएंगे, फॉर इंस्टेंस कि आपकी जो कीवर्ड परसेंटेज है वो 5 to 10% हो जाती है, तो इसे हम ओवर ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे. तो ये तो एक बेसिक सा फार्मूला आपके जहन में आ गया कि जब भी आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाना है तो अगर 1000 वर्ड्स हैं तो यू नो कि 3% कीवर्ड्स आपने किस तरह यूज़ करने हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और 3% कीवर्ड के इस तरह से नहीं यूज़ करने हैं आपने के सारे कीवर्ड आपने कॉन्टेंट के अंदर यूज़ करने हैं, मीन्स टू से पैराग्राफ टैग के अंदर. इसमें से कुछ आपने हेडिंग टैग में भी यूज़ करने हैं, आपने इमेज के आर्ट टेक्स्ट भी यूज़ करने हैं, आपने अपना टाइटल भी यूज़ करना है, कुछ कीवर्ड्स आप हो सकता है अपने लास्ट के ऊपर क्वेश्चनरीज में पूछ लें, तो इसको आपने वेल प्लेस्ड करना है अपने कीवर्ड्स का. अगर आप TF-IDF को माइंड में रखते हुए अपने कॉन्टेंट की स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर, तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा और आपको स्पैम से भी बचा लेगा. तो नेक्स्ट चलते हैं हम, जो दूसरी चीज़ है वो कॉन्टेंट लेंथ है. कि SEO के अंदर जो दूसरा मोस्ट मेजर रैंकिंग फैक्टर है वो कंटेंट लेंथ है. आप किसी कीवर्ड को लेके अगर टारगेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप कंपेटिटर का एनालिसिस करें, अपने फर्स्ट पेज के ऊपर जाएं और अपने सेकंड पेज के ऊपर जाएं और चेक करें कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी वर्ड काउंट कितनी है उस स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर जिसके ऊपर वो रैंक कर रहे हैं अगेंस्ट दिस कीवर्ड. अब फॉर इंस्टेंस जो पहली सब के ऊपर बंदा आ रहा है उसने 700 वर्ड्स लिखे हैं उस वेब पेज के ऊपर, इसी तरह आप अगर नीचे जाते जाएंगे हो सकता है वर्ड्स इंक्रीज होते जाएँ या डिक्रीज होते जाएँ, तो आप कहेंगे कि जो कम वर्ड्स वाला है वो पहले नंबर पे क्यों. कंटेंट लेंथ ओनली फैक्टर नहीं है जो आपको पहली पोजीशन देगा, हो सकता है जो पहली पोजीशन में बैठा है उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी और बैकलिंक प्रोफाइल बाकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और उसका जो सेशन ड्यूरेशन है वो भी बाकी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है.
तो आपने अपने फर्स्ट टू पेजेस का एनालिसिस करके ये आइडिया लेना है कि आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं, आपको कितने वर्ड्स का कंटेंट जनरेट करना है टू गेट पोजीशन इन फर्स्ट टू पेजेस, और यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट इन फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज की पोजीशन के लिए आपको उतने वर्ड्स का कॉन्टेंट जनरेट करना है। इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको पढ़ी लिखी बात बता दें कि कम अज़ कम इतने वर्ड तो होने चाहिए। वैसे योस्ट एसईओ कहता है कि आप 300 वर्ड से कम वेब पेज ना लें, ठीक है, लेकिन ये टोटल डिपेंड करता है आपके कंपटीटर्स के ऊपर कि कितना कंटेंट उन्होंने दिया है, कितने बैकलिंक्स उनके वेब पेज के हैं, कितनी अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी उनके पेज की है। ओके, तो इस तरह से आपने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को डिजाइन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।